हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अंजलि झा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, जो है ठंड में बनने वाली गाजर के हलवे की रेसिपी। तो आप ज़रूर देखें पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ये लाल वाले गाजर लिए हैं। अभी मार्केट में ये गाजर अवेलेबल है, तो आप इसी का यूज़ करें, लाल वाले गाजर का। तो यहाँ पे मैं इसे ग्रेट करके बना रही हूँ। इस बार मैंने पहले भी वीडियो शेयर की है गाजर के हलवे की, जिसमें मैंने कट करके गाजर का हलवा बनाया है। आप इसे चॉपर में चॉप करके भी बना सकते हैं, अगर आप ग्रेट करना नहीं चाहते। तो मैं यहाँ पे गाजर को ग्रेट कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारे गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो मैंने इसके लिए कढ़ाई चढ़ाई है गैस पर। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी के। इसे गर्म होने देते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाती है हल्की, हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया है, बादाम लिया है, कैश्यू नट लिया है। तो इसे मैं हल्का सा भून लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। हल्का सा घी में इसे भूनकर इसे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो मैं इसे हल्का सा भूनकर निकाल लूँगी। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट हो गए, अच्छी सी खुशबू आने लगी है ड्राई फ्रूट्स की। तो मैं अब इसे निकाल लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। थोड़ा सा किशमिश लिया है मैंने यहाँ पे, आधी कटोरी के करीब। तो मैं इसको भी भून लूँगी हल्का सा। बस घी में मैं इसे चलाकर निकाल लूँगी, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। तो ये देखिए, मैंने घी से भी निकाल लिया है। अब थोड़ा और घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच और घी ऐड कर रही हूँ। गैस को मैंने धीमा ही रखा है। अब इसमें डालेंगे गाजर जो हमने ग्रेट किया था। तो चलिए, सारे गाजर मैंने डाल दिए हैं। तेज आंच पे हम इसे नहीं भुनेंगे, बिल्कुल हल्के आंच पे भुनेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो चलिए, इसे पहले भून लेते हैं। तो करीब हमें इसे 5 मिनट तक इसी तरह से भुनना है। मैं इसे चलाते हुए भुन रही हूँ कि ये नीचे से ना लगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क। तो यहाँ पे मैंने 3 कप मिल्क ऐड किया है। हम इसे मिल्क में ही पकाएंगे। तो इसे अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे ढक कर रखूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। चलिए, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे खोलकर एक बार चेक कर लिया है। गाजर पकनी शुरू हो गई है, लेकिन हम फिर से इसे ढकेंगे। इसे थोड़ा और पकाना है हमें। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर पर इसे खोलकर चेक कर ले रही हूँ कि ये लगे ना, और एक बार मैं नीचे से चला भी ले रही हूँ। अब मैं लिड को ओपन ही रखूँगी, मैं हटाकर ही रखूँगी लिड को, क्योंकि हमें इसे अब सुखाना है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी है गाजर। अब हमें सिर्फ दूध को सुखाना है। ये देखिए, दूध सूखना शुरू हो चुकी है और बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है ये। मैं बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पका रही हूँ। इसे चलाते हुए पकाना है हमें, और बिल्कुल धीमी आंच पे कि ये नीचे से लगे ना। और काफ़ी अच्छे से सूख गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा। तो यहाँ पे मैंने करीब 150 ग्राम मावा लिया है। तो हम इसे डाल देंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप घर की मलाई जो आप रोज़ निकालते हैं, या आपके दूध में जो मलाई रहती है, आप वो 4 चम्मच डाल दें। उससे इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मावा है तो आप मावा यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास मावा थी तो मैंने वो यूज़ किया है, करीब 150 ग्राम। तो चलिए, मावा अच्छे से मिक्स हो चुकी है। थोड़ा इसे भी चला देते हैं, हमें इसे थोड़ा सा भुनना है। मावा डालने से स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। पर जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी चीनी। करीब 1 कप लिया है मैंने चीनी यहाँ पे। तो ये भी मैं डाल दूंगी, और इसे हमें मिक्स करना है। चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखा है मैंने। चीनी भी गलना शुरू हो चुकी है। हमें इसे चलाते रहना है। ऐसे ही चलाते हुए हमें इसे मिलाना है। धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे। तो देखिए, एक उबाल आ गई है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ
एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इस तरह से जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो बहुत ही रिच टेस्ट आता है। मैंने पहले भी एक और तरीके से गाजर का हलवा बनाया है, तो आप ज़रूर चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे उसकी लिंक डाल दूँगी, आप देखें उस वीडियो को भी। और अभी चलिए ऐड करते हैं कैश्यू नट्स और पिस्ता और बादाम जो हमने भूनकर रखा था। तो चलिए मैंने डाल दिया है पिस्ता बादाम, इसे मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। मैं अब किशमिश भी ऐड कर दे रही हूँ इसमें। इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है गाजर के हलवे का, तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से गाजर का हलवा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए मैंने सारी चीज़ों को मिला दिया है, गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें ठंड में गाजर का हलवा, क्योंकि ये लाल वाले गाजर हमें सिर्फ ठंड में ही मिलते हैं और इसका स्वाद ही अलग है, आप इससे अगर गाजर का हलवा बनाते हैं तो। तो चलिए अब मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच घी, घी मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे, एक बार चला लेते हैं। चलिए हलवा बनकर तैयार है, अब इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म। इसे थोड़ा मिला ले रही हूँ मैं कि घी अच्छी तरह से मिल जाए। चलिए तो मैंने अब इसे सर्व किया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिच टेस्ट आता है अगर हम इस तरह से गाजर का हलवा बनाते हैं तो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मावा के साथ इसे गार्निश कर दिया है, थोड़े कैश्यू नट डाल दिए हैं, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, आपको काफ़ी रिच टेस्ट देगी। फिर कभी कोई ये नहीं कहेगा कि बाहर के हलवे जैसा टेस्ट नहीं आता घर के हलवे में, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, सभी को बहुत पसंद आएगी। और आप मुझे कमेंट करके भी बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। आई होप आज की ये गाजर के हलवे की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो एक बार ज़रूर देखें इस तरह से गाजर का हलवा बनाकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।